नमस्कार दोस्तों, तो होली के एग्जैक्टली एक दिन पहले मतलब 17 तारीख को इंडिया पे लॉन्च होने वाला है Redmi 10 नाम का स्मार्टफोन। और बहुत बढ़िया बात है कि ये जो स्मार्टफोन होली के दिन में लॉन्च नहीं होता, वरना इसका नाम होता होला बाहर से भोला। लेकिन जो सबसे मेन चीज, ये जो Redmi 10 नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, इसका स्पेसिफिकेशन बोलने से पहले मैं एक चीज कह देता हूँ, अगर आपका बजट है 10 से 11 हज़ार रुपए के आसपास, तो मेरे ख्याल से ये जो स्मार्टफोन मार्केट का सबसे बेस्ट ऑलराउंड वाला स्मार्टफोन होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो Redmi का जो स्मार्टफोन मतलब जो Redmi 10 जो लॉन्च होने वाला है, इसमें आपको एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन, क्या डिजाइन मिलेगा और जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा, क्या उस प्राइस पॉइंट का बेस्ट स्मार्टफोन होगा या फिर नहीं, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त कवर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं, तो गैजेट चैनल का सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो पहले तो हम बात करेंगे इसका डिजाइन कैसा है। तो इस वीडियो के थंबनेल पे मैंने जो पिक्चर दिया है, आप उस पिक्चर में देख सकते हैं इसके पीछे का कैमरा का जो एरिया, वो एग्जैक्टली जो रिसेंटली Narzo 50A नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, एग्जैक्टली उससे कॉपी किया गया है। यहां तक जो फिंगरप्रिंट सेंसर, वो भी आपको पीछे एग्जैक्टली सेम जगह पे देखने को मिलेगा। मतलब डिजाइन के मामले में ये जो स्मार्टफोन एग्जैक्टली ऐसा होगा। और कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल दो कलर पे आएगा, एक तो होगा ये ब्लू और दूसरा होगा ग्रीन। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस है 8.9 मिलीमीटर और इसका वेट है 181 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.71 इंच फुल एचडी प्लस 60Hz IPS LCD डिस्प्ले। उसके साथ आपको मिलेगा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा ऑलमोस्ट 89% के आसपास। मतलब मुझे ये चीज़ देख के बहुत ही बढ़िया लगा कि Xiaomi वालों ने 6.5 इंच से बेटर कोई डिस्प्ले इस्तेमाल किया है। वरना आप देख सकते कि 15,000 रुपये के अंदर Xiaomi का जितने भी स्मार्टफोन अवेलेबल है, पिछले 2 साल से एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले इस्तेमाल कर रहा है। प्रोसेसर की अगर बात करें, इसमें आपको मिलेगा Snapdragon 680 प्रोसेसर। अब देखिए, ये जो Snapdragon 680, इसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन इसका जो बैटरी सेविंग वो काफी बढ़िया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट का बेस्ट क्वालिटी का बैटरी सेविंग आपको इस Snapdragon 680 वाले प्रोसेसर में मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें, आपको इसे मिलेगा 50 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ये जो स्मार्टफोन काजरी के टोटल 2 वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 464GB और 4 120GB, टोटल 2 वेरिएंट पे आएगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 2.2, और उसके साथ आपको डेफिनेटली 2+1 कार स्लॉट भी देखने को मिलेगा। बैटरी अगर बात करें, आपको इसमें मिलेगा 5000mAh बैटरी, उसके साथ 18 वाट का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। तो अगर हम इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें, तो आपको इसमें सिंगल स्पीकर मिलेगा, कोई डुअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा स्मार्टफोन के पीछे, मतलब रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और IR ब्लास्टर, ये सब फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज, कब लॉन्च होने वाला है, वीडियो के थंबनेल पे मैंने दे दिया है 17 मार्च, मतलब आज से एग्जैक्टली 4 दिन बाद लॉन्च होने वाला है। और अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करें, अब देखिए इसका स्पेसिफिकेशन देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्चुअली अभी अभी जो इंडिया पे लॉन्च हुआ है Redmi Note 11 वाला स्मार्टफोन, जिसका प्राइस है मेरे ख्याल से 13,000 रुपये, उसका एक लाइटर एडिशन होने वाला है। क्योंकि वो जो Redmi Note 11 वाले स्मार्टफोन में डिस्प्ले आपको मिलेगा सुपर एमोलेड, चार्जर आपको मिलेगा 33 वाट का चार्जर और भी कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बेटर फीचर मिलेगा। तो मतलब ये जो स्मार्टफोन डेफिनेटली उससे तो सस्ते में लॉन्च होने वाला है। तो मेरे सोर्स की तरफ से ऐसा मालूम चला है, ये स्मार्टफोन मतलब इसका जो 464GB वाला स्मार्टफोन, वो इंडिया पे लॉन्च होगा 10 से 11 हज़ार के बीच में, और इसका जो 4 120GB वाला स्मार्टफोन, वो इंडिया पे लॉन्च होगा वही 12,000 के आसपास। तो अभी हर वीडियो के जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा कि क्या ये जो स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, जब Realme C35 ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, बस प्रोसेसर थोड़ा सा लोअर ग्रेड का है, ऐसा जब स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हुआ था 12,000 पे, मैंने कहा था कि टोटली बेकार स्मार्टफोन है। लेकिन ये जो Redmi 10 वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, अगर अकॉर्डिंग टू लीक्स 10 से 11 हज़ार के अंदर लॉन्च होता, तो मेरे ख्याल से शायद प्राइस पॉइंट का बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपका बजट है 12,000, तो 12,000 के हिसाब से बहुत सारी बढ़िया स्मार्टफोन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल Motorola G31, Infinix Note 11 जैसा बहुत बढ़िया स्मार्टफोन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका बजट है 10 से 11,000 के अंदर, उस प्राइस रेंज में आपके पास ज्यादा कोई अच्छा खासा ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये जो Redmi 10 वाला स्मार्टफोन 10 से 11,000 के अंदर बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा। क्योंकि देखिए, एक स्मार्टफोन में आपको क्या चाहिए, एक बिगर डिस्प्ले, ठीक ठाक प्रोसेसर जो कि बैटरी आपको ज्यादा सेविंग देगा, 50 मेगापिक्सल कैमरा, UFS 2.2 का स्टोरेज,
स्टोरेज, 5000 mAh बैटरी, मतलब जो भी बेसिक अच्छा वाला फीचर चाहिए होगा सब कुछ इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा। तो इसलिए वीडियो के आखिर में आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा, ये जो Redmi 10 वाला स्मार्टफोन जो 10 से 11 हज़ार के अंदर लॉन्च होने वाला है, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा। इधर में एक चीज कहना तो भूल ही गया था, वरना आप लोग कहेंगे Xiaomi वालों ने मुझे पैसे दिया है वीडियो बनाने के लिए। इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो डिस्प्ले वो पुराने जमाने का वी शेप नॉच मिलेगा। तो अभी आप मुझे जो कमेंट में जरूर बताना कि ये जो Redmi 10 वाला जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इस प्राइस रेंज में, क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल कोई दूसरा फोन लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।